अभी तक हमें डॉक्टर शैलेंद्र ने बताया कि हमें फैटी लीवर जैसी अन्य बीमारियों से बचने के लिए अपने लीवर को नियमित रूप से चेक कराना चाहिए और कैसे हमें अपने लीवर से जुड़ी किसी भी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। चलिए अब आगे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह से जानते हैं हमें कैसे अपने लीवर का ख्याल रखना चाहिए और आगे उन्होंने ये भी बताया कि कैसे एक स्कैन के जरिए हम लीवर से जुड़ी किसी भी परेशानी या बीमारी का पता लगा सकते हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि फैटी लीवर आजकल हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में बताइए। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा, फैटी लीवर। एक्चुअली फैटी लीवर को हम लोग, फैटी लीवर है क्या, लिवर सेल्स में जिसको हम मेडिकल टर्म में हेपेटोसाइट्स कहते हैं, उस सेल्स के बीच में अगर फैट आ जाता है तो हम इसको फैटी लीवर कहते हैं। क्योंकि हम अपने हेल्थ के बारे में बहुत कम अवेयर रहना चाहते हैं या इनफैक्ट कहिए जानना नहीं चाहते हैं, फैट अगर लीवर में है तो ये सारी बीमारियों का कारण है। आगे चल के अगर फैट बहुत ज़्यादा है तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन बन सकता है। एक्चुअली ये गॉल ब्लैडर में पथरी, गॉल ब्लैडर स्टोन जो भी है वो फैट की वजह से, मोस्टली ये फैट ही एक सबसे बड़ा रीज़न है। ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। और एक चीज़ मैं आज आपको बताऊँ, हमारा अगर फैट कैसे, हम लीवर में फैट कैसे कंट्रोल करें, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हमें अपना वज़न नियंत्रित करना है। वो कैसे करें, जैसे एक सिंपल सी बात, अगर एक आदमी या औरत की अगर हाइट 170 सेंटीमीटर है तो 100 माइनस कर दें, जो लास्ट का 70 आ रहा है वो उतना आपका वज़न होना चाहिए, और महिलाओं में 10% कम। तो ये बहुत इजी कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा आपको वज़न नहीं रखना है। अगर इससे ज़्यादा आपका वज़न है तो उसको कम करिए। वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जितना खाते हैं उतना कंज्यूम करने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करिए, और वो भी तब जब आपको पसीना आना शुरू हो जाए, फिर उसके बाद 30 मिनट आप एक्सरसाइज करिए, चाहे साइकिल चलाइए, चाहे ब्रिस्क वॉक करिए, चाहे ट्रेडमिल पे चलिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, आपने एक बात पूछी कि फैटी लीवर और क्या क्या कर सकता है। फैटी लीवर से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक चीज़ और, अपनी जो भी आप जीन्स पहनते हैं या जो भी पैंट पहनते हैं, अपनी कमर, अगर आप एक नॉर्मल एडल्ट हैं तो आपकी कमर 34 इंच यानी कि 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इन बातों पे ध्यान दे दिया तो लिवर विल बी ऑलवेज हेल्दी। और जैसे हम अपने हर चीज़ को प्यार करते हैं तो लिवर चाहता है कि सिर्फ हम उसे प्यार करें, उसको दवाई की ज़रूरत नहीं है, उसको आप प्यार करिए, उसका ख्याल रखिए और उसमें फैट का ख्याल रखिए। और सिंपल, आजकल बहुत इजीली एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से हम लीवर के फैट के बारे में पता लगा सकते हैं, तो रेगुलर चेकअप कराइए। सर, जैसा कि आपने बताया कि लीवर एक हमारी बॉडी का सुप्रीम ऑर्गन है, तो इसके इलाज क्या होते हैं, इसके जो रोग होते हैं उनका क्या इलाज है, एंड स्पेशली होम्योपैथिक का इलाज जो है इसका, वो कितना लाभकारी है? देखिए, होम्योपैथी में लीवर का बहुत अच्छा इलाज है। और लिवर सेल्स क्या होती हैं, इनकी एक सबसे अच्छी चीज़ होती है कि ये रीजनरेट कर जाती हैं। अगर सही समय पे समुचित इलाज मिला तो लिवर एक काफ़ी एडवांस स्टेज में भी लिवर को हम ठीक कर सकते हैं। हम फैटी लिवर को ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी दवाओं से, हम लिवर फाइब्रोसिस को भी रिवर्स कर सकते हैं। जितना जल्दी हम बीमारी को डायग्नोज कर लेंगे, जितना जल्दी बीमारी के बारे में पता लगा लेंगे, होम्योपैथिक दवाएं उतनी ज़्यादा कारगर रहेंगी। और होम्योपैथी का तो लिवर में बहुत ही अच्छा इलाज है, बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि लोगों के पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, लिवर का ख्याल रखें। और होम्योपैथी का एक सबसे अच्छी चीज़ और है कि इस दवाई का किसी भी तरीके का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आजकल तो लिवर सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान में ख़राब हो रहा है, आजकल हमारे यहाँ डॉक्टर्स के बिना बताए लोग दवाई खाने की आदत पड़ गई है।
कभी भी आप देखिए किसी मेडिकल स्टोर पे जाइए तो लोग सिंपली बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ खरीदते हैं, खाते हैं, उनका दुष्प्रभाव नहीं जानते हैं, पूरा दुष्प्रभाव लिवर पे ही पड़ता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सबसे कि कोई भी दवाई हो, चाहे वो एलोपैथिक हो उसको एलोपैथिक डॉक्टर के परामर्श से खाएं, होम्योपैथिक हो होम्योपैथिक डॉक्टर के परामर्श से खाएं। अपने हिसाब से दवाइयाँ ना ही खरीदें ना ही खाएं, बिना डॉक्टर के परमिशन के या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे कोई दवाई नहीं लें। दूसरी, क्योंकि ये एक लिवर डैमेज का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ड्रग इंड्यूस्ड लिवर डिजीज कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर इलाज के दौरान हमारी जीवन शैली में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से चेंजेस आते हैं, बहुत से चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, तो होम्योपैथी इलाज जब होता है लीवर का, तो उस दौरान हमारी जीवन शैली में क्या चेंजेस आते हैं, क्या हमें करना पड़ता है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपनी दिनचर्या, अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल को सही रखा तो किसी भी रोग से लड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। अगर हमने अपनी लाइफस्टाइल सही रखी, अपना खान पान दुरुस्त रखा, और लिवर को क्या है, लिवर जो भी हम खाते हैं वो लिवर को ही पचाना पड़ता है। अगर किसी को लिवर की ढेर सारी बीमारियां हैं, जैसे कि एग्जांपल हमें लिवर को हम लेते हैं कि लिवर सिरोसिस हो रखा है किसी को, तो लिवर सिरोसिस में सबसे मेन चीज़ क्या है कि लिवर पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय डॉक्टर के बताए हुए दिशा निर्देशों पे के अनुसार ही हमें खान पान लेना है। जैसे हमें पानी की मात्रा कम रखनी है, हमें खाने में नमक कम रखना है, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जितना हम उस समय हर मरीज की एक इंडिविजुअल डाइट प्लान होती है, ये हम अपने सेंटर पे करते हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है। सर, जैसा कि आज हम रोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि लीवर से जुड़े हैं, तो हमें लीवर रोगों को पहचानने के लिए क्या करना होता है, कैसे उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे आपने पूछा, जैसे हम कहते हैं कि हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, हर आदमी कभी कभी अपना हीमोग्लोबिन जाँच कराता है, तो आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक लिवर एंजाइम होता है SGPT। SGPT हमें बहुत सस्ती सी जांच है, अगर इस जांच को हम रेगुलर कराएं तो इस जांच से हमें पता लग जाता है कि हमारा लिवर कैसा है। इसकी लिमिट 40 तक होनी चाहिए, 0 से 40 तक ये होता है। और SGPT अगर हमने 10 के आसपास रख लिया तो हम 100 साल तक जी सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि SGPT की जानकारी लोगों को होनी चाहिए, और ये सबसे पहला मार्कर है जो हमें ब्लड में दिखता है कि हमारा लिवर कैसा है। तो 10 के आसपास रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें अपर लिमिट पे नहीं जाना है। सर, जैसा कि आपने हमें बताया था कि हमें अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए, रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए, तो अगर हमें कोई रोग नहीं हुआ है लिवर रोग और उसके पहले हम चाहते हैं कि हम अपने लिवर को स्वस्थ रखें, तो उसके क्या कोई घरेलू उपचार हो सकते हैं, अगर होते हैं तो उन्हें कैसे अपना सकते हैं? देखिए, घरेलू उपचार में हम कहें तो अपने हम खान पान को नियंत्रित रखें, हेल्दी खाएं, और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम एक दिन हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग रख सकते हैं तो वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर क्या है कि जितना हम उस पर कम बर्डन देंगे वो उतना अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अगर पॉसिबल है तो सब लोग एक दिन की फास्टिंग ज़रूर रखें, कोई भी दिन एक सेलेक्ट कर लें, और हम जितना भी खाना खाते हैं, सपोज दैट औसतन एक दिन में एक आदमी 1.5 से 2 किलो खाना खाता है, तो उस खाने का 40% खाना हम कोशिश करें कि कच्चा खाना खाएं। कच्चा खाना जैसे कि हम फल खाएं, 400 ग्राम के आसपास हमें फल खाना चाहिए, अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चना खाइए, और अधिक से अधिक प्रोटीन खाएं। लिवर के लिए ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं। सर, जैसा कि हम सुनते आए हमेशा से कि मिथ है कि अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं किसी चीज़ का तो उसमें बहुत वक्त लग जाता है, सालों साल चलता है वो इलाज, तो क्या ये बात सच है? और अगर हम लिवर रोग का अगर होम्योपैथिक इलाज करवा रहे हैं तो उसमें कितना टाइम लग जाता है? देखिए, ये बहुत ही एक तरीके से मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि इलाज में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत तेज़ी से काम करती हैं और बहुत सटीक काम करती हैं, रोगों से बहुत जल्दी मुक्ति मिलती है और मरीज़ ठीक होते हैं। लिवर में तो होम्योपैथिक दवाएं बहुत तेज़ी से काम करती हैं
और हमें रिजल्ट बहुत जल्दी और बहुत कम समय में मिलता है। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ट्रीटमेंट में प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ चेंजेस, कुछ जोखिम होते हैं, तो क्या इस लिवर के इलाज के दौरान भी प्री ट्रीटमेंट या पोस्ट ट्रीटमेंट कोई जोखिम इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, हमारे होम्योपैथिक सिस्टम में किसी भी तरीके का कोई जोखिम कहीं भी किसी लेवल पे इन्वॉल्व नहीं होता है। ये पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है और बहुत ही सटीक होता है इसका इलाज। तो जैसा कि आपने बताया कि लिवर रोग कैसे होते हैं और हमें कैसे बच सकते हैं, कैसे इसका इलाज करा सकते हैं, तो हम आपसे आखिरी में बोलना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देंगे आप, जो पेशेंट्स हैं जो लिवर रोगों से परेशान हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने लीवर को खूब प्यार करें, रेगुलर अपने लीवर का चेकअप कराते रहिए, अपने लीवर को उसमें फैट इकट्ठा मत होने दीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो अपने लीवर की जांच ज़रूर कराएं। लीवर में फैट को कम से कम रखें, जितना आप कम रखेंगे, क्योंकि शुगर के मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की संभावना 2/3 होती है, तो इसलिए लीवर में फैट ज़रूर बिल्कुल भी मत इकट्ठा होने दें। और अपना ख्याल रखें, लोगों को लीवर के बारे में ज़रूर बताएं कि लीवर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, इसका आप जितना ख्याल करेंगे ये आपका उतना ख्याल करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, उन्हें अपने वैल्यूएबल सजेशंस देने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने हमें बताया कि अगर कोई इंसान, कोई पेशेंट लीवर की बीमारी से परेशान है, तो उसे कैसे इलाज करवाना चाहिए, किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और कैसे अपने लीवर को बचा के रखना चाहिए और स्वस्थ रखना चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, किसी नए एक्सपर्ट के साथ, किसी नए डॉक्टर से किसी नए टॉपिक के बारे में रूबरू होने के लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में। नमस्कार।